हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज़ अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिजिटल इनिशियेटिव से रिलेटेड टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो इन टेन क्वेश्चंस की हेल्प से जितने भी डिजिटल इनिशियेटिव्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी इनिशियेटिव्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एन टी ए यू जी सी नेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का न्यू बैच थर्टीन मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड दस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ नाइन्टी डेज में पेपर वन एंड पेपर टू का कम्प्लीट कोर्स आपको कवर कराएंगे जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं तो आप लोग इस कम्प्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन को डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर आप हमारे ऐप का ऑफिशियल लोगो देख सकते हो एंड ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जो कि है एन टी ए यू जी सी नेट पेपर वन हिंदी सो वहाँ पे आप लोग इस कंप्लीट कोर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगी सो इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स विद पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फुल सिलेबस नोट्स मैराथन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो प्लस मॉक टेस्ट भी हम आपको इसमें कवर करवाएंगे। पे so, हो, तो करना होगा सिर्फ डबल नाइन तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर डिज़ाइन तो यहाँ पे एक ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है जो कि बेसिकली डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है ठीक है तो पहला ऑप्शन है ई विद्वान ई आचार्य ई कल्पा एंड ई यंत्रा तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई का मतलब क्या होता है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ठीक है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग जो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं इसीलिए हर एक इनिशिएटिव के आगे ई लिखा जाता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें ई विद्वान की सो so, ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है ठीक है जिसका नाम विद्वान रखा गया है सो so, ये एक एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क है तो जहाँ पे भी डेटाबेस की बात की जाती है या फिर एक्सपर्ट नेशनल लेवल पे रिसर्च के नेटवर्क की बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोग विद्वान की बात करते हैं ठीक है वहाँ पे विद्वान इनिशिएटिव जो है वो काम करता है ठीक है एंड इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया गया है बाय नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आई सी टी दैट इज़ एन एम ई आई सी टी ठीक है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आई सी टी सो विद्वान इज़ अ प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जहाँ पे भी रिसर्चर्स या बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात होगी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ई विद्वान ठीक है अगला इनिशिएटिव है ई आचार्य सो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल ठीक है ये एक वेब बेस्ड इंटरफेस है जिसको कि इनफ्लिपनेट के थ्रू इनफ्लिपनेट के द्वारा डेवलप किया गया है ठीक है इसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइफ साइंस मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फिजिकल एंड बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस यानी कि जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं साइंस से रिलेटेड ये सिक्स सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है ई आचार्य नेक्स्ट आता है हमारे पास ई कल्पा सो ई कल्पा इज यूज टू क्रिएट डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर डिजाइनिंग ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिजाइनिंग के बारे में पूछा गया है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ई कल्पा ठीक है इसको डेवलप किया गया था बाय एम एच आर डी ठीक है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिसको अब सिंपली एम एच आर बोला जाता है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज एन एम ई आई सी टी ठीक है तो यहाँ पे ई कल्पा एंड ई विद्वान ये दोनों इसके द्वारा ही डेवलप किए गए हैं ठीक है एंड ये इनिशिएटिव आईआईटी बॉम्बे के थ्रू ही डेवलप किया गया है अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ई e यंत्रा सो ई यंत्रा जो है ये एक रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम है जिसको कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा फंड दिया जाता है ठीक है एंड इसका गोल है टू हार्नेस द टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स तो जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं उनके टैलेंट को ये कलेक्ट करता है ये हार्नेस करता है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी ठीक है सो वेरियस वेरियस डोमेन्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होम स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस ठीक है एजुकेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी ठीक है थीके? उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग ई e यंत्रा का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज ई कल्पा सेकेंड क्वेश्चन है स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डैश चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखी हैं तो आप लोग एक सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हो तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्वयं प्रभा में कितने डी टी एच चैनल्स हैं ठीक है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या लिखा है बस आप क्वेश्चन में ये देखो कि चैनल्स की बात की है एंड ऑप्शंस में नंबर बताए हैं सो so, स्वयं प्रभा हमें प्रोवाइड कराता है टोटल थर्टी फोर डी टी एच चैनल्स ठीक है so, सो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वयं क्या होता है ठीक है स्वयं प्रभा अलग चीज़ है स्वयं अलग चीज़ है तो स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ठीक है तो ये क्या है ये इनिशिएटिव जो है एमएचआरडी एम एच आर डी के द्वारा डेवलप किया गया है जिससे कि वो फ्री वेब कोर्सेज जो है हाई स्कूल एंड स्किल बेस्ड कोर्सेस पे हमें प्रोवाइड करा सकते हैं तो अब बात करते हैं स्वयं प्रभा की तो स्वयं प्रभा के केस में हमारे पास थर्टी फोर डी टी एच चैनल्स होते हैं जो कि ट्वेंटी फोर सेवन काम करते हैं ठीक है एंड इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फोर आवर्स के केसेस पे चलती है ठीक है यानी कि चार चार घंटे की क्लासेस होंगी एंड वो दिन में पांच बार रिपीट होंगी ठीक है तो इस तरह से ये काम करता है एंड इसमें जो डी चैनल्स हैं जो थर्टी फोर डी चैनल्स हैं ये लिंक किए गए हैं थ्रू बाय सैग ठीक है बाय सैग गांधीनगर तो ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड स्वयं प्रभा में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कंटेंट कौन प्रोवाइड कराता है ठीक है तो इसमें एन प्रोवाइड करवाता है इग्नू कंटेंट प्रोवाइड कराता है आई नेपटेल प्रोवाइड कराता है CEC, सी एन आई ओ एस एंड यू जी सी तो ये सभी बॉडीज हैं जो कि स्वयं प्रभा के से थर्टी फोर डी टी ए चैनल्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाती हैं. तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की दैट इज एम एच आर डी स्कीम विद्वान इज एम्ड एट ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कीम है जिसका नाम है विद्वान जिसको डेवलप किया गया है एम एच आर डी के द्वारा तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क ठीक है एक डेटा बेस को क्रिएट करना एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क को क्रिएट करना मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेज ई का मतलब मैं बता चुकी हूं ई रिसोर्सेज यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हमें जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है उन सबको ये हमें प्रोवाइड कराता है डिजिटली नेक्स्ट है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग फैकल्टी सो जितने भी स्टाफ है जितना भी टीचर्स हैं रिसर्चर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप ये प्रमोट करवाता है फोर्थ ऑप्शन बोलता है अवार्डिंग नेशनल प्रोफेसरशिप टू अ फैकल्टी ठीक है सो नेशनल प्रोफेसरशिप जो है ये हर एक फैकल्टी को ये प्रोवाइड कराता है ठीक है तो विद्वान अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में एक ही टॉपिक को किस तरह से घुमा कर पूछा जाता है ठीक है एंड ये बहुत बार होता है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है या फिर एग्जाम में जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी अच्छे से समझ लीजिए ठीक है तो एग्जाम में आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्वान जो है वो डेटा है जिसमें कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है एंड इसका ऑब्जेक्टिव है जिससे कि हम लोग क्विकली एंड कन्वीनियनटली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर कर सकते हैं अबाउट द एक्सपर्ट टू पियर्स या फिर हमारे जो कोलेबोरेटर्स हैं जो फंडिंग एजेंसीज हैं उन सबको हम लोग ईजिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं विद्वान के थ्रू ठीक है एंड इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पियर रिव्यूज़ तो पियर का मतलब होता है जैसे दो लोग हैं जो साथ में रिसर्च कर रहे हैं ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के पियर हैं ठीक है थीके? तो आइडेंटिफाई पियर रिव्यूअर्स फॉर आर्टिकल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स जैसे मान लीजिए कि इनका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो अगर वो उसका रेफरेंस लेना चाहते हैं तो वो विद्वान स्कीम के थ्रू जो है वहां से इन चीजों की डिटेल्स देख सकते हैं ठीक है थीके? तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज इट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन एस्पेक्ट ऑफ़ ई गवर्नेंस डील्स विद फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन यानी कि सरकार और जो आम जनता होती है उनके बीच में ई e गवर्नेंस की एक स्कीम रखी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन दैट इज़ जी टू सी इनिशियेटिव सो जी टू सी जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके कौन कौन से इनिशियेटिव हैं ई हेल्थ सॉरी ई हेल्प ई हेल्थ ई टेंटरिंग एंड ई फीडबैक ठीक है तो इस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं पहले बात करते हैं कि ई e गवर्नेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ठीक है सो ये एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जिसका एम है कि वो गवर्नमेंट की जितनी भी एबिलिटीज है पब्लिक के लिए उसको एनहांस कर सके अब गवर्नमेंट हमारे लिए कितने ज्यादा इनिशिएटिव्स लेकर आती है लेकिन सभी इनिशिएटिव्स हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते ठीक है तो कैसे वो सभी इनिशिएटिव्स को सिटीजन तक पहुंचाएगी उसको एनहांस करेगी प्रॉपर्टीज को ठीक है ये सब चीजें हैंडल करता है ई e गवर्नेंस सो ई गवर्नेंस में पहला जो आता है ई हेल्प ठीक है ई हेल्प डी नोट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर यूजिंग आई यानी कि कोई बाढ़ आ जाती है भूकंप की वजह से अगर कोई नुकसान होता है ठीक है यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे अगर कोई नुकसान होता है तो ई e हेल्प के थ्रू गवर्नमेंट जो है हम लोगों को हेल्प कर सकती है ठीक है तो इसके थ्रू क्या होता है लोकल फार्मेसी जितनी भी होती है लोकल मेडिकल स्टोर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं तो वो हमें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉरी uh, ये जो था ये था ई हेल्थ ठीक है ई हेल्थ नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं आपदाएं होती हैं उसमें कोई लॉस हो तो ई e हेल्थ हमें हेल्प करता है नेक्स्ट है ई हेल्प सो इट डिनोट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ क्राइसिस डिज़ास्टर ठीक है अब इसमें भी क्या होता है कि जितने भी एन होते हैं वो हमें हेल्प करने आते हैं ये भी नेचुरल डिज़ास्टर के साथ ही काम करता है इसमें हमारे हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड हैं एन भी इंक्लूडेड हैं बस एक एस के थ्रू ही यहाँ पे काम किया जाता है ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ई टेंडरिंग एंड ई फीडबैक तो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो जी टू सी के थ्रू डेवलप नहीं किया गया है ठीक है तो यहां पे हमारा राइट right आंसर है ओनली ए एंड बी दैट इज ई हेल्थ एंड ई हेल्थ सो इन दोनों इनिशिएटिव्स के अलावा हमारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि पहला है ई सिटीजनशिप ठीक है नेक्स्ट है ई रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट आता है ई e एजुकेशन ठीक है नेक्स्ट इनिशिएटिव है ई टेक्सटेशन इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है ई ट्रांसपोर्टेशन ठीक है सो एग्जाम में हेल्प हेल्थ के अलावा ये कोई भी इनिशिएटिव्स का नाम लिखा होगा दैट मीन्स ये रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन से सो so, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की दैट इज आइडेंटिफाई द इनकम पैसिंग टर्म्स दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट अ कंपनीज बिजनेस तो एक कंपनी के बिजनेस को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं ठीक है तो क्या यूज़ होगा कौन सा हम लोग टर्म यूज़ करेंगे पहला है ई बिजनेस ई कॉमर्स ई मैने सॉरी ई मार्केटिंग एंड ई गवर्नेंस तो इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर है ई कॉमर्स ठीक है सो इट इज़ अ टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ई गवर्नेंस हमें हेल्प करता है ठीक है इसमें डिफरेंट बिजनेसिस आते हैं जैसे कि कंज्यूमर बेस्ड रिटेल साइट्स आती हैं ऑक्शन आती है म्यूजिक साइट्स आती हैं ठीक है एंड जितने भी बिजनेस एक्सचेंज होते हैं ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज के बीच में जो भी कॉपरेशन होता है ये उन सभी को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज अ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असिस्टिंग पीपल इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर तो अगर किसी पेरेंट को अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कोई नहीं होता कि फ्यूचर में वो क्या करें इसलिए कौन सा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है जिसमें कि एक्सपर्ट्स उनकी हेल्प करते हैं पहला है ई पाठशाला सारांश शाला सिद्धि और स्वयं प्रभा ठीक है तो स्वयं प्रभा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो क्या है डी चैनल है तो इसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे ठीक है so, सो ई पाठशाला की अगर बात करें तो ये एक ज्वाइन इनिशिएटिव है जिसमें कि एम एच आर डी एंड एन सी ई आर टी दोनों ही जुड़े हुए हैं दोनों ही इसको जो है हैंडल करते हैं एंड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ठीक है एंड इसको डेवलप किया गया था जिससे कि हम लोग शो केस कर सकें एंड डिसिमिनेट कर सकें हर तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज को ठीक है तो इसके अलावा ई पाठशाला हमें प्रोवाइड कराता है टेक्स्ट बुक ठीक है ऑडियो वीडियो पीरियॉडिकल्स एंड डिफरेंट टाइप के डिजिटल रिसोर्सेज नेक्स्ट आता है हमारे पास सारांश सो so, इसको डेवलप किया गया था किया गया है सी के द्वारा ठीक है एंड एच आर एच आर डी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ठीक है सो so, इसको लॉन्च किया गया था सेवन नवंबर टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन में एट विज्ञान भवन तो सारांश जो है ये हेल्प करता है स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को कि वो किस तरह से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एनहांस कर सके ठीक है एंड वो उसी डेटा के थ्रू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से बात करके पूरा एनालाइज करता है एंड वो स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को गाइड करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उन्हें हेल्प करता है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज़ सारांश इनिशिएटिव नेक्स्ट बात करते हैं शाला सिद्धि सो द नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन यानी कि इसको डेवलप किया गया था एन पी एस एस ई के द्वारा ठीक है इट इज़ डेवलप्ड बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ एन यू ई पी ए ठीक है एंड इसका जो एम है वो है टू इवेल्युएट द इंडिविजुअल स्कूल यानी कि हर एक स्कूल को इवेलुएट करना उसकी उसके कॉन्टीन्यूस मैनर के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू ठीक है कि किस तरह से उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं ठीक है ठीके? उन सब चीज़ों के थ्रू किसी भी स्कूल को इवेल्यूएट करने के लिए शाला सिद्धि को डेवलप किया गया था तो ये इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा है. एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स जिसमें कि पहली स्टेटमेंट में बोला गया है स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स आर प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज यानी कि स्वयं के थ्रू जो भी सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सिर्फ उन्हीं को जो है हम प्रमोट कर सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है स्टेटमेंट कि ई तंत्रा इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स बाय आईआईटी मुंबई थ्रू एमएचआरडी एनएमईसीआईटी ठीक है तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप लोगों ने इनकी बेसिक डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ी होगी तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स तो ये क्या करता है हर एक टाइप का बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है सभी को ठीक है इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं ठीक है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट होते हैं ठीक है टेस्ट होते हैं जिससे हमें खुद से पता चल जाता है कि हमें कितना नॉलेज है कितना नहीं ठीक है इसके अलावा अगर हमें कोई डाउट है तो उसके लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी प्रोवाइड कराता है स्वयं एंड अगर हम लोग ई e यंत्रा की बात सॉरी ई तंत्रा या फिर ई e यंत्रा बात करें ठीक है सो ये एक इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया है टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि खुद से बच्चे जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे ठीक है सो हैंड्स ऑन लर्निंग पे ये फोकस करता है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये डिजाइन किया गया है तो ई तंत्रा जो है Uh, वो हमेशा स्टूडेंट्स को मतलब लैब्स और ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है ताकि हर एक स्टूडेंट्स जो है हर एक स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिकल करके देखे तभी वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं ठीक है सो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू टू आर फॉल्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ठीक है एंड इस क्वेश्चन में पहले इनिशिएटिव्स हैं एंड दूसरा उनके डिस्क्रिप्शन दी गई है ठीक है तो पहला इनिशिएटिव बोलता है विद्वान डिजी लॉकर साक्षात एंड शोध गंगा ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है रिपोजिटरी फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस ई बुक्स एंड जर्नल्स तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक भी पता है जैसे कि विद्वान हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आप लोग इजीली इनका आंसर दे सकते हो विद्वान में क्या होता है जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं ठीक है थीके? तो विद्वान का यानी कि फर्स्ट का राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि ऑप्शन जो है वो सिर्फ इसी में है फर्स्ट से जो ए को सॉरी ए से जो थर्ड को मैच करता है ठीक है दूसरा आता है डिजी लॉकर ठीक है सो डिजी लॉकर का मतलब होता है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन सो जितने भी वेरिफिकेशन होती है ठीक है हमारी सर्टिफिकेशन की हमारी डॉक्यूमेंटेशन की उसके लिए डिजी लॉकर यूज़ किया जाता है साक्षात क्या होता है ये एक रिपोजिटरी है फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस ई बुक्स एंड जर्नल्स सो ये एक एजुकेशनल पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर एंड जो भी आगे का नॉलेज ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है साक्षात ठीक है सो साक्षात में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सब्जेक्ट ठीक है जिसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड है जैसे कि इग्नू इग्नू डी यू के वी एस एन वी एस एन आई ओ एस एन सी ई आर टी एंड कुछ एन जी ओज भी साक्षात के साथ काम करते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास शोध गंगा सो so, शोध गंगा जो होता है ये क्या बोलता है रिसर्च स्कॉलर्स एंड सुपरवाइजर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ठीक है इनकी एक डिपॉजिट है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिसमें कि जितने भी हमारे ई बुक्स होते हैं थीसिस होती है उसको यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है ठीक है तो इसका यूज़ क्या है मान लीजिए आने वाले समय में अगर मैं कुछ रिसर्च करती हूँ एंड मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए कि प्रीवियस फाइंडिंग्स क्या है इस चीज़ को लेकर के तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं शोध गंगा में जा कर के ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एजुकेशनल एफ एम रेडियो नेटवर्क तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है तो एफ एम एफ में क्या होता है एफ में हम चीज़ों को सुनते हैं ठीक है थीके? तो दर्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि एफ में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता धारा भी नहीं हो सकता वानी हो सकता है ठीक है वानी का मतलब होता है आवाज़ जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग मुझे नहीं देख सकते आप मुझे सिर्फ सुन रहे हो तो ये वानी है ठीक है तो एफ की जहाँ पर भी बात आती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान वानी ठीक है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थी, थ्री ठीक है सो so, ज्ञान दर्शन की अगर हम लोग बात करें सो so, ज्ञान दर्शन को डेवलप किया गया था एम के द्वारा इसके साथ था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ठीक है प्रसार भारती एंड इग्नू इसको डेवलप किया गया था ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड पे ठीक है ये क्या है ये ट्वेंटी फोर आर ट्रांसमिशन चैनल है जिसमें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमेशा आते रहते हैं ठीक है ज्ञान धारा क्या है ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जिसको कि इग्नो के द्वारा डेवलप किया गया था जहाँ पे कि स्टूडेंट्स लाइव डिस्कशन को पार्ट लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इसमें कुछ टीचर्स हैं कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू टेलीफोन ई या फिर चैट के थ्रू ठीक है एंड ज्ञान जो यहाँ पे ज्ञान लिखा है ना ज्ञान का मतलब होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ठीक है ज्ञान मतलब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इसको 2015 में एम के द्वारा डिज़ाइन किया गया था एंड इट इज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन तो हायर एजुकेशन में जो उनके मतलब कंटेंट से रिलेटेड क्वालिटी होती है या फिर जितनी भी उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए उन सब चीज़ों को ये प्रोवाइड कराता है उनकी क्वालिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल अकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास डिग्रीज एंड मार्कशीट्स एक्सेट्रा ठीक है तो कहाँ पे हम लोग किसी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री ये सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं एंड ये जो टेन क्वेश्चन है इसके बाद जैसे कि हमेशा की तरह मैं एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को दो क्वेश्चन दूंगी जो इन्हीं टेन क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा ठीक है तो कौन सा वो एक ऑनलाइन स्टोर है स्वयं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल अकेडमिक लाइब्रेरी एंड नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमने अभी डिस्कस किया कि स्वयं क्या होता है ठीक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है ठीक है जिसको डेवलप किया गया था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टूवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशनल एसेट पूरा टाइटल इसका ये है ठीक है इसको आईआईटी आई खड़गपुर के थ्रू डेवलप किया गया था अंडर एमएचआरडी ठीक uh, है एंड इसका मेन एम है टू कोलेट अ लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट वर्चुअल लाइब्रेरी कवरिंग द नीड्स ऑफ लर्नर्स विथ डिफरिंग एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको किसी भी तरह की बुक्स की किसी भी तरह की डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में अभी तक ट्वेंटी टू लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल है नेक्स्ट आता है नेशनल अकेडमिक लाइब्रेरी सो so, इसको भी डेवलप किया गया था बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड ये इट प्रोवाइड अ कंप्लीट आईसीटी सॉल्यूशन विद इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट होती है चीज़ों की वैसे यहां यहाँ पे होता है ठीक है सो इसमें ये भी एक ई e लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग कहीं से भी किसी भी तरह की बुक को एक्सेस कर सकते हैं लास्ट आता है नेशनल अकेडमिक डिपोजिट्री तो so, ये एक इनिशिएटिव है अगेन डेवलप्ड बाय एमएचआरडी ये हमें प्रोवाइड कराता है फैसिलिटेट डिजिटल इंश्योरेंस स्टोरेज एक्सेस वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा डिग्री यानी कि अगर हमारी कोई डिग्री है कोई डिप्लोमा है अगर उसकी ऑनलाइन हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी को डिज़ाइन किया गया था तो यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ठीक है सो एन ए डी इसको बोला जाता है ठीक so, है नेशनल अकेडमिक डिपोजिट्री सो एन ए डी एक यूनिक इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के अंदर जिसकी थीम होती है टुवॉर्ड्स अचीविंग द डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ द एजुकेशनल रिकॉर्ड्स तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ठीक है एंड क्या वो बिल्कुल सच है या फिर कोई फ्रॉड सर्टिफिकेट है ये सब चीज़ें चेक करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है तो ये थे हमारे आज के टेन क्वेश्चन तो आप लोगों को अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी इशू है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हो सो so अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की सो so ये पहला क्वेश्चन है ई पाठशाला सो ई पाठशाला में हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं ई बुक वीडियो लेक्चर टीचर मैनुअल्स या फिर ऑल ऑफ द अबाव ठीक है तो ये अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस किया था सेकेंड क्वेश्चन है द गोल ऑफ ई यंत्रा इज टू हार्नेस द टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस अ असराइटी ऑफ डोमेन्स जैसे कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस होम सर्विस इंडस्ट्रीज ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है ई यंत्रा का मेन एम जो है ये डायरेक्ट डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखी गई है ठीक है तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको सिर्फ इतना सा बताना है ठीक है तो ये है दो क्वेश्चंस इनका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे बताओगे या फिर इनके अलावा आप लोगों को कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी आप हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन से एक्सेस कर सकते हो सो so, पेपर टू में कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि वीडियो लेक्चर सीरीज नोट्स महा मैराथन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं एंड की वैलिडिटी रहेगी वन ईयर एंड इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके साथ पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं यानी कि पेपर वन का एक्स्ट्रा वन फाइव डबल नाइन आपको पे नहीं करना होगा एंड पेपर टू के कंप्लीट कोर्स की फ़ी है फोर ट्रिपल नाइन लेकिन अगर आप लोग अभी ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तो आपको पे करना होगा सिर्फ थ्री ट्रिपल नाइन एंड इसमें भी ये पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो